मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार केंद्र की भाजपा सरकार में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जनता महंगाई से बेहाल है, चाहे पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि हो, चाहे दूध दही अनाज पर जीएसटी लगाना हो, जिसके कारण आज महंगाई विराट रूप ले चुकी है। बेरोजगारी, अग्निपथ, रोजमर्रा खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाने सहित अन्य मुद्दों के विरोध में देवास जिला कांग्रेस कमेटी एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में धरना स्थल मनको पुष्पर पर विशाल धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आटा दाल सहित कई जगह पर जीएसटी लगा दी गई है, जिससे आमजनों की कमर टूट रही है और गरीब आदमी जीवन यापन करने में समस्या झेल रहा है। देखिए क्या क्या कहा पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने। ये आज जो हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर को, कहाँ तू, ताकि राष्ट्रपति हमारे कांग्रेस की आवाज पहुँचा दी जाए। एक घिनौना षड्यंत्र संपूर्ण भारत में जो नरेंद्र मोदी का कुचक्र चल रहा है, जितने भी पार्टियां, जितने राजनीतिक दल विपक्ष में बैठे हैं, चुन चुन के उनपे इनकम टैक्स, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, इनकी रेट डलवा रहे हैं। राहुल गांधी सबसे ज्यादा बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के खिलाफ। आम जनता के आटा दाल चावल पे जीएसटी लगा देना सर माना जी प्रधानमंत्री को, कि जिनकी वजह से सरकार गरीबों को राहत पहुंचाने का उनपे जीएसटी लगा दी। ये महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी सड़क से संसद तक आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनकी माता श्री श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की कार्रवाई कराई गई है। ये हम उसके खिलाफ पूरे देश में आज आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो हमने कहा है कि मोदी जी तुम्हारी सरकार में इतना दम नहीं है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को जेल में डाल दो। अरे जेल की ईंट तो ईंट छोड़ो, प्रधानमंत्री आवास की ईंट से ईंट बजा देंगे। कांग्रेस में इतना दम भैया। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।